तो आज की सबसे बड़ी न्यूज यही है कि WWE में आज सुबह यहाँ पर एक चोरी हो चुकी है और इस साल समर स्लैम की डेट WWE ने आज यहाँ पर अपने ऑफिशियल साइट पर कंफर्म कर दिया है और इस साल हेल इन अ सेल में क्या हमें रोमन रिंग्स वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच देखने को मिलेगा फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और सेमेस हो चुके हैं पूरी तरीके से इंजर्ड और उनको शायद 3 to 6 महीने तक रिंग से बाहर जाना पड़े और अपने यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप वैकेट करनी पड़े। और आंद्रादे कैसे आए AEW में और स्मैकडाउन की ओवरनाइट व्यूअरशिप क्या रही और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना, चैनल पे न्यू है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्या इस साल हमें हेल इन अ सेल में रोमन रिंग्स वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच देखने को मिलेगा फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स लास्ट वीक हमने देखा था स्मैकडाउन में कि रोमन रिंग्स ने जिस तरीके से ब्रूटली अटैक किया था मिस्टीरियस फैमिली को और रिपोर्ट्स की माने तो WWE पूरी तरीके से पुश करने वाली है यहाँ पे रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो को, क्योंकि अभी तक रोमन रिंग्स के सामने कोई ओपोनेंट्स नहीं है क्योंकि सुजारो को अभी टीवी टाइम से थोड़ा ऑफ रखा गया है। और अगर हम बात करें बड़े ओपोनेंट की तो हेल इन अ सेल पेपर भी WWE निकालना चाहेगी विथ रोमन रिंग्स का छोटा सा काटा ओपोनेंट देखे। और WWE के आने वाले पेपर भी हेल इन अ सेल को WWE जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करेगी क्योंकि उसके बाद WWE को जो पेपर भी होने वाला है मनी इन द बैंक, उसमें फैंस आने वाले WWE में वापस। और उसके बाद तो आप जानती है समर स्लैम होने वाला है, तो समर स्लैम के लिए और मनी इन द बैंक के लिए भी रोमन रिंग्स के लिए बड़ा ओपोनेंट यहाँ पर अभी से ढूंढना स्टार्ट कर दिया WWE ने। और मोस्ट प्रोबली इस साल हेल इन अ सेल में मैच देखने को मिल सकते हैं रोमन रिंग्स वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और जिस तरीके से द ट्राइबल चीफ एंड उसोस का फ्यूड अभी चल रहा है स्मैकडाउन में विथ मिस्टीरियस फैमिली, तो लग रहा है आने वाले टाइम में हमें फ्यूड देखने को मिल सकते हैं जहाँ पर रोमन रिंग्स 1-on-1 मैच लड़े अगेंस्ट डोमिनिक मिस्टीरियो। और रे मिस्टीरियो खुद भी इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि उनके करियर के एंड होने के आगे वो चाहते हैं कि डोमिनिक के करियर WWE में पूरी तरीके से सही हो जाए और एक स्टेबल सुपरस्टार बन जाए। तो देखते हैं कि आने वाले टाइम में हमें स्मैकडाउन में रोमन रिंग्स वर्सेस मिस्टीरियस फैमिली की यहाँ पर स्टोरी लाइन चलती है। इसके बाद बात करते हैं इस हफ्ते स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के बारे में। तो इस हफ्ते स्मैकडाउन की ओवरनाइट व्यूअरशिप आई है 1.792 मिलियन व्यूअर्स, जो कि पिछले हफ्ते से 2% ज़्यादा है क्योंकि पिछले हफ्ते स्मैकडाउन की व्यूअरशिप थी 1.75 मिलियन व्यूअर्स। तो कि आप देख ही सकते कि कहाँ रॉ 1.2-1.3 लेके आ रहा है और स्मैकडाउन 2 मिलियन 1.8 ऐसे व्यूअर्स लेके आ रहा है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में स्मैकडाउन फिर से 2 मिलियन या 3 मिलियन के आसपास जाते हैं कि नहीं, क्योंकि दिसंबर का जो WWE का लास्ट एपिसोड था बिफोर क्रिसमस, तो उसमें जब बिगी जो स्मैकडाउन के चैंपियन बने थे IC टाइटल के, वहाँ पर WWE की व्यूअरशिप 3 मिलियन से ऊपर चला गया था और वो शो WWE ने ऑलरेडी टेप कर चुका था, मतलब लाइव शो नहीं था। तो देखते हैं कि आने वाले टाइम में WWE स्मैकडाउन की शो। नेक्स्ट बात करते हैं एक शॉकिंग चीज़ के बारे में जो कि आज सुबह ही हुई है। तो आज सुबह WWE के जो थंडर डोम की सेंटर है योगनिंग सेंटर, जहाँ से थंडर डोम करंटली WWE प्रोड्यूस कर रही है, वहाँ से एक चोर ने यहाँ पर WWE के थंडर डोम की सेटअप्स एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें चोरी करके भाग गया है। और अभी वहाँ का जो पुलिस है USA पुलिस डिपार्टमेंट, वो पुलिस डिपार्टमेंट अभी इस चोर को ढूंढ रही है और WWE क्लेम कर रही है कि बहुत सारी चीज़ें थी जो कि इस चोर ने लेके भाग गया WWE के थंडर डोम से। तो देखते हैं ये चोर कब मिलता है WWE के। तो एक बहुत ही मुझे लगता है फनी सेगमेंट भी थी क्योंकि इतने सिक्योरिटी के बीच में कैसे एक बंदा ढूंढ के थंडर डोम के सेटअप्स एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें थंडर डोम के सेटअप से ही चोरी करके ले जा सकता है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में अगर इसके बारे में कुछ अपडेट मिलता है तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं द US चैंपियन शेमस के बारे में। तो लास्ट नाइट शेमस ने अपने इंस्टाग्राम पर यह तो पोस्ट किया था, जैसे कि आप देख ही सकते हो अभी हॉस्पिटल में और उनका नोज पूरा यहाँ पर ब्रोक डाउन हो चुका है। और मुझे नहीं लगता कि कल मंडे नाइट रॉ यहाँ पर शेमस वापस आएंगे रॉ में या ऐसा कुछ सीन होने वाला है। और मुझे लगता है शेमस तो कुछ टाइम के लिए तो ज़रूर रिंग से बाहर ही रहेंगे और देखने वाले चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि कल मंडे नाइट रॉ पे WWE क्या फाइनली US चैंपियनशिप को वेकेट करने वाली है या फिर क्या होने वाला है US चैंपियनशिप के लिए, हमें कल मंडे नाइट रॉ पे पता चल जाएगा। होप करते हैं सेमेस बहुत जल्दी ठीक होकर वापस हमें रिंग में लड़ते हुए दिखे। इसके अलावा बात करते हैं अगले वीक रॉ के लिए WWE ने कुछ बड़े बड़े मैचेज यहाँ पर अनाउंस कर दिए, मतलब बड़े बड़े तो नहीं है लेकिन पिछले जो 2-3 महीने से जो मैचेस हो रहे हैं उससे तो काफ़ी अच्छे अच्छे मैचेस यहाँ पर WWE ने ऑलरेडी यहाँ पर अनाउंस कर दिया है।
तो सबसे पहले इस हफ्ते रॉ में हमें देखने को मिलेगा द WWE चैंपियन बॉबी लैशली एंड ड्रू मैकइंटायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग बिफोर देयर मैच एट WWE हेल इन अ सेल 2021। इसके अलावा एलेक्सा ब्लिस की प्लेग्राउंड में यहाँ पर शाइना ब्लेजर आएंगे फर्स्ट टाइम इन मंडे नाइट रॉ, क्योंकि लास्ट वीक रेजिनल्ड आए थे। इसके अलावा हमें रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए नंबर वन कंटेंडर बैटल रॉयल देखने को मिलेगा विथ ऑल टैग टीम कपल्स। तो और इस मैच में काफ़ी बड़े बड़े टैग टीम हुए, जैसे आर के ब्रो होंगे और न्यू डे के कोफी किंगस्टन एंड जेबियर गुड होंगे और भाइकिंग रेडर्स भी होंगे। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे टीम्स होंगे इस बैटल रॉयल में। तो देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि एजे एंड ओमोस का नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होता है, क्या वो आर के ब्रो होते हैं या भाइकिंग रेडर्स होते हैं। मुझे तो लगता है मोस्ट प्रोबेबली भाइकिंग रेडर्स हो सकती है, क्योंकि इतना जल्दी मुझे नहीं लगता आर के ब्रो एंड एजे स्टाइल एंड ओमोस को एक हेल इन अ सेल पेपर में WWE लड़ाएगी। तो देखते हैं इस मैच को कौन जीतता है। नेक्स्ट बात करते हैं AEW के न्यू साइनिंग अंड्राडे के बारे में। और लेटेस्ट रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो लेटेस्ट रिपोर्ट में यही बताया जा रहा है कि अंड्राडे को जब WWE ने रिलीज किया था मार्च के महीनों में, तभी टोनी खान उनके पास पहुंचे थे और उन अंड्राडे से फर्स्ट टाइम मीट किए थे। और टोनी खान ने अंड्राडे को बोला था कि टोनी खान बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है अंड्राडे के लिए और चाहते कि वो AEW में आए, लेकिन अंड्राडे ने कुछ टाइम मांगा था टोनी खान से टू डिसाइड इज फ्यूचर। इसके बाद इम्पैक्ट रेसलिंग या ROH और भी काफ़ी सारे यहाँ पर प्रमोशंस थे जो अंड्राडे को अपने प्रमोशन में के लिए इन्वाइट किए थे। और इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो इम्पैक्ट में बोला था पूरा क्रिएटिव कंट्रोल यहाँ पर अंड्राडे को देंगे, लेकिन अंड्राडे का वहाँ बात नहीं बना क्योंकि वहाँ पे थोड़ा पेमेंट का इशू था। और एंड में यहाँ पे जब AEW के साथ अंड्राडे का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हुआ, उस कॉन्ट्रैक्ट में बस यही एक चीज़ है कि अंड्राडे के पास क्रिएटिव कंट्रोल तो रहेगा, लेकिन वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्रिएटिव कंट्रोल रहेगा, मतलब पूरा क्रिएटिव कंट्रोल अंड्राडे के पास नहीं रहेगा। और ऊपर से टोनी खान बहुत ज़्यादा अमाउंट पे कर रहे हैं अंड्राडे को। तो देखते हैं AEW के लिए यहाँ पर अंड्राडे कितना ज़्यादा वैल्यूएबल यहाँ पर साबित होते हैं आने वाले टाइम में। नेक्स्ट बात करते हैं द मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू द रेसलिंग ऑब्जर्वर, ब्रॉन स्ट्रोमैन WWE के जो रिलीज से पहले उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था, उस कॉन्ट्रैक्ट में ब्रॉन स्ट्रोमैन अर्न कर रहे थे 1.2 मिलियन पर ईयर, जो कि एक बहुत बड़ा सैलरी होता है एक सुपरस्टार के लिए। इसके बाद विंस मैकमैन ने नोट किया कि अभी हमारे पास ओमोस है या यहाँ पे जायंट अजीज है और इन सब के बदौलत ये सब ब्रॉन स्ट्रोमैन से भी ज़्यादा यहाँ पे हाइट में लंबे हैं, यहाँ पे ज़्यादा मॉन्स्टर है। तो इसीलिए ब्रॉन स्ट्रोमैन की जो वैल्यू थी वो विंस मैकमैन एंड कंपनी के नज़र में बहुत गिर गई, और इसी के चलते ब्रॉन स्ट्रोमैन को WWE से रिलीज़ कर दिया गया और उनको ठीक तरीके से बुक भी नहीं किया जा रहा था पिछले कुछ महीने से। लास्ट टाइम बस उनको डाल दिया जाता था किसी चैंपियनशिप मैच में पिन होने के लिए। तो इसीलिए WWE ने एंड में फैसला लिया कि अभी हमारे पास बहुत ऐसे बड़े बड़े मॉन्स्टर है तो हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसीलिए WWE ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को यहाँ पर रिलीज़ कर दिया। और आज की फाइनल अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि इस साल समर स्लैम के बारे में। तो आज सुबह ही WWE ने ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया कि इस साल समर स्लैम होने वाली है August 21st को, और ये शो होने वाले लास वेगास के एलिजियन स्टेडियम से। तो समर स्लैम के लिए WWE ने ऑफिशियल कर दिया और इसके टिकट भी स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि £25 है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में समर स्लैम के लिए क्या क्या चीज़ें WWE फैंस को दे पाती है या फैंस के डिमांड पे यहाँ पे WWE खड़े उतर पाती है। तो देखते हैं। तो यही तक थी आज की वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।